हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है मटेरियल कॉस्टिंग, और मटेरियल कॉस्टिंग में हम पढ़ रहे थे प्राइसिंग ऑफ इशू। प्राइसिंग ऑफ इशू के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्राइसिंग ऑफ इशू का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, फिर उसके बाद डिफरेंट मेथड्स पढ़ी, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। अब इस लेक्चर में हम एक और मैथड डिस्कस करेंगे, दैट इज स्पेसिफिक प्राइस मैथड। हमारे चैप्टर का नाम है प्राइसिंग ऑफ इशू। प्राइसिंग ऑफ इशू का मीनिंग होता है जो गुड्स इशू किया गया उसकी क्या प्राइस एक्चुअली कोट की जाएगी, कहां से इशू किया गया, स्टोर से इशू किया गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जैसे हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढ़ा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो गुड्स इशू किया जाता है वो उस रेट से कौन से पहले जाता है, जो पहले हमारे पास आया था, बाद वाला बाद में। लास्ट इन फर्स्ट आउट में बाद वाला पहले और फर्स्ट वाला बाद में, ठीक फाइन। इन द सेम वे अगर हम इस मेथड को देखें तो इस मेथड का हमारा नाम है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मींस कोई आपकी कोई खास प्राइस है, कोई एक स्पेसिफिक प्राइस है। एक्चुअली ये मेथड वहां पर एप्लीकेबल होती है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के जॉब लगते हैं, या कहीं पर जॉब वर्क से एक्चुअली काम होता है, और हर जॉब के लिए अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग रेट का गुड्स बाय किया जाता है। अब जिस जॉब के लिए जिस क्वालिटी और जिस रेट का गुड्स खरीदा गया है, उस स्पेसिफिक जॉब में उसी रेट और उसी क्वालिटी का गुड्स एक्चुअली लगेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लगाऊँ कि मान लिया एक फैक्ट्री है, उसने 500 यूनिट्स बाय की है एट द रेट ₹25 फॉर जॉब एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये 25 रेट की 500 यूनिट परचेस की गई है जॉब एक्स वाई जेड के अंदर, ठीक है। अब जब भी जॉब एक्स वाई जेड से डिमांड आएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो उसको यही गुड्स देना पड़ेगा, कोई दूसरा गुड्स उसमें नहीं डाल सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, जो स्पेसिफिक जॉब का है वो उसी स्पेसिफिक जॉब में जाएगा। लेट सपोज अगर हम बोले 300 यूनिट्स परचेस की एट द रेट ₹32 फॉर जॉब PQR, तो अब देखिए यहां पर एक्स वाई जेड और PQR भी, एक्स वाई जेड वाला गुड्स पहले आया था, PQR वाला बाद में आया था। लेकिन जब भी इशू किया जाएगा तो इशू में आपको रेफरेंस देगा कि भाई कौन से जॉब के लिए एक्चुअली गुड्स की डिमांड आई है। अब अगर मान लें एक्स वाई जेड के लिए आती है तो इसमें से गुड्स माइनस होगा और रेट लगाएंगे 25, PQR के लिए आती है तो इसमें से गुड्स लेकर जाएंगे और रेट लगाएंगे ₹32, फाइन। अब मेरे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको पूरा केस समझ में आए कि किस तरह से इसमें इशू एक्चुअली होता है। ये हमारा फॉर्मेट है स्टोन लेजर अकाउंट। सबसे पहला कॉलम है डेट, सेकंड इज रेफरेंस नंबर, रिसीट, रिसीट में 3 कॉलम्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में 3 कॉलम्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस में भी 3 कॉलम्स क्वांटिटी रेट और अमाउंट। यहां पर ये रेफरेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक प्राइस मेथड में रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब एक क्वेश्चन मेरे सामने वो पढ़ रहा हूं मैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ठीक है। रिसीट में दे रखा है June 1 को वी हैव परचेस 600 यूनिट्स एट द रेट ₹25 फॉर जॉब नंबर 202, मेंशन कर दिया कि जॉब नंबर 202 के लिए बाय किया गया। June 8 परचेस 450 यूनिट्स एट द रेट ₹28 फॉर जॉब नंबर 210। June 14 परचेस 500 यूनिट्स एट द रेट ₹27 फॉर जॉब नंबर 208, और June 22 परचेस 400 यूनिट्स एट द रेट ₹30 फॉर जॉब नंबर 215। जैसे जैसे जॉब आते गए होंगे अकॉर्डिंगली वो लोग गुड्स को बाय करते गए होंगे। एनीवे इशूज आर June 4 को 250 यूनिट्स टू जॉब नंबर 202, June 9 100 यूनिट्स टू जॉब नंबर 210, June 13 150 यूनिट्स टू जॉब नंबर 202, June 17 200 यूनिट्स टू जॉब नंबर 208, June 21 220 यूनिट्स टू जॉब नंबर 210, June 24 280 यूनिट्स टू जॉब नंबर 215, June 27 170 यूनिट्स टू जॉब नंबर 208, एंड June 30 110 यूनिट्स टू जॉब नंबर 202। चलिए देखें, हमें तो डेट वाइज करते जाना है इसमें। सबसे पहले June 1 को भी परचेस 600 यूनिट्स, तो मैंने यहां पर डेट डाली June 1, और कौन सी जॉब के लिए परचेस किया गया है, जॉब नंबर 202। ये 202 के लिए बाय किया गया, रेफरेंस नंबर में मैंने ये डाल दिया। एनीवे 600 यूनिट एट द रेट 25, तो 600 एट द रेट ₹25, तो वैल्यू हमारी जाएगी 600 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 15,000। कोई और गुड्स का रेट का गुड्स नहीं है तो सेम विल बी द बैलेंस, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000। चलें जी, June 1 हमारा कंप्लीट है। June 1 के बाद नेक्स्ट डेट है June 4। June 4 को हमने 250 यूनिट्स इशू किए हैं जॉब नंबर 202 पर, वैसे भी हमारे पास अभी एक ही रेट का गुड्स है, एक ही जॉब वाला है, तो हम इसमें डेट डालेंगे June 4, और ये जॉब नंबर 202 और यूनिट्स गई हैं 250 ओनली, तो 250 एट द रेट 25, तो 250 इंटू 25 इज इक्वल्स टू व्हाट, 6250।
अब इसमें से गुड्स कम हुआ है 600 माइनस 250 इज व्हाट 350 एट द रेट रुपीज 25, तो 350 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 8750। ये हमारा जून 4 का ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट डेट इज जून 8, 450 यूनिट। तो जून 8 को हमने 450 यूनिट परचेज की है एट द रेट रुपीज 28। अच्छा, और जॉब नंबर इस पर मेंशन है 210, 210 जॉब नंबर के लिए हमने इसको बाय किया। एनीवे पहले हम रेट देखें, इसमें 450 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 12,600। बैलेंसिंग का मोड वैसा ही रहेगा जैसे दूसरी मेथड्स में होता है, पहले जो ओल्ड बैलेंस है उसको एज इट इज ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे और न्यू बैलेंस को नीचे उसमें अटैच कर देंगे। 350, 25, 8750 और उसके बाद 210 एट द रेट 450 एट द रेट 28, वैल्यू इज 12,600। ठीक, फाइन, ये हमारी नेक्स्ट हो गई। इसमें उसके बाद हमारे पास है जून 8 के बाद जून 9, 100 यूनिट्स 210 जॉब नंबर पे गई है। तो जून 9 जॉब नंबर 210, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स कौन सा लगेगा 28 रुपीज़ वाला, तो अमाउंट विल बी 2,800। बैलेंस में 350 यूनिट्स को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एज इट इज़ है 450 माइनस 100 इज़ व्हाट 350 एट द रेट 28, तो 350 इंटू 28 इज 9,800, ये हमने जॉब में डाल दिया। अब नेक्स्ट डेट है हमारी जून 13, जून 13 को फिर 150 यूनिट्स 202 जॉब नंबर 202 को दी गई है। जून 13 जॉब नंबर 202 का रेट कौन सा है 35 रुपीस वाला, तो इसमें से कितनी यूनिट दी गई है 150 यूनिट्स है हमारे पास अभी इतनी, 150 यूनिट्स रेट लगेगा 25, तो 150 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 3750। 350 माइनस 150, 200 यूनिट्स आर रिमेनिंग 25 के रेट से, तो 200 इंटू 25 इज व्हाट 5000 और 350 एट द रेट 28 9800। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब जून 13 के बाद जून 14 500 यूनिट्स, जून 14 500 यूनिट्स बाय की है, रेट लगाया है 27 और जॉब नंबर 208 के लिए बाय किया, ये फिर नए जॉब का गुड्स आ गया, तो 500 इंटू 27 इज 13,500। अब हमारे पास थ्री डिफरेंट रेट्स का गुड्स हो गया, थ्री डिफरेंट जॉब्स के लिए, जॉब नंबर 202, जॉब नंबर 210 एंड जॉब नंबर 208। बैलेंस कैसे होगा, 200 यूनिट्स 25 रुपीस से 5,000, 350 यूनिट्स एट द रेट 28 9,800 और फिर 500 यूनिट्स एट द रेट 27 13,500। फाइन, ये हमारा एक और ट्रांजेक्शन डन। अब जून 14 के बाद जून 17 को 208 जॉब नंबर पर गया, जून 17 को 208 जॉब नंबर 208 पर गई 200 यूनिट्स और जॉब नंबर 208 का रेट कौन सा है 27 रुपीस, तो 200 इंटू 27 5,400। बैलेंस देखें, 200 में नो चेंज, 25 5,000, 350 पर 28 9,800, 500 में से 200 गए तो 300 पर 27, 300 इंटू 27 इज इक्वल्स टू 8,001। जून 17 के बाद में हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 21 और जून 21 को 220 यूनिट, 200 जून 21 को 210 जॉब नंबर 210 पर 220 यूनिट्स हमने इशू किए। अब जॉब नंबर 210 का रेट कौन सा है 28 रुपीस वाला, तो रेट भी कौन सा लगाएंगे 28 रुपीस का, तो ये हुआ 220 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 6160, रेट विल बी 200 एट द रेट 25, 350 में से 220 गया तो बैलेंस इज 130 यूनिट्स एट द रेट 28 और 300 यूनिट्स एट द रेट 27। अभी मेरे पास अभी भी तीन रेट का कुछ पड़ा हुआ है। नेक्स्ट डेट इज जून 22, 400 यूनिट 30 रुपए से परचेस किए, जून 22 400 यूनिट एट द रेट 30 रुपीज अमाउंट इज 12,000 और ये हमने परचेस किए फॉर जॉब नंबर 215, जॉब नंबर 215 के लिए बाय किए। एनीवे अब मेरे पास जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी 200 एट द रेट 25 5,000, 130 एट द रेट 28, तो 130 इंटू 28 विल बी 36,
40 or 300 at the rate 27,8,100 and finally 400 units at the rate 30, that is what, 12,000. ठीक, ये हमारा हुआ। अब जून 24 को 280 यूनिट देनी है, जॉब नंबर 2, जून 24 को 215 पर 280 यूनिट देनी है एट द रेट 30, तो 280 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 8,400। अब बैलेंस करें तो 200 यूनिट्स में नो चेंज, 130 यूनिट्स भी एज इट इज पड़ी रहेगी, 300 यूनिट्स भी 27, और 400 में से 280 गया तो 120 यूनिट हमारे पास 30 रुपीज़ वाली अल्टीमेटली बच रही है। एनीवे, इसमें और भी ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन अब हमारे पास ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमको गुड्स गुड्स की जो इशू की प्राइस है वो कोट करना है। आप यहाँ पर जॉब नंबर देखें, जॉब नंबर के अकॉर्डिंगली जो जिस जॉब के रेट का गुड्स हो उसी जॉब में से एक्चुअली वो गुड्स हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, और उसी रेट के ऊपर हम उसको अल्टीमेटली इशू करेंगे। तो ये थी साहब हमारी स्पेसिफिक प्राइस मेथड, आई होप आपको ये क्लियर होगी। कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।